गुड मॉर्निंग एवरीवन. इन लास्ट वीडियो वी आर स्टडी अबाउट कंसीडरेशन अदर देन कैश. अब हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर क्या होता है? इट ऑफ्टन हैपन्स दैट सम शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल व्हेन इट कम ड्यू. दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर. देर आर टू मेथड्स टू डील विद द कॉल्स इन एरियर. देखो, कॉल्स इन एरियर का मीन्स ये हो गया, जब कंपनी ने पैसे मंगाए और आप उस पैसे को पे नहीं कर पाए तो वो कॉल्स क्या हो जाती है? कॉल्स इन एरियर. ये दो तरीके से होती है, व्हेन यू आर ओपनिंग अ कॉल्स इन एरियर अकाउंट और व्हेन यू आर नॉट ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट. इन दिस मेथड देर इज नो नीड टू ओपन अ कॉल्स इन एरियर अकाउंट. इन सच अ केस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज क्रेडिटेड टू द कॉल्स अकाउंट एंड द कॉल्स अकाउंट विल बी शोन ऑन अ डेबिट बैलेंस इक्वल टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द कॉल. ऑन द सब्सिक्वेंट डेट व्हेन द अनपेड अमाउंट इज रिसीव्ड बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड द रिलेवेंट कॉल्स इज क्रेडिटेड. मीन्स कि जब आप है ना कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते तब आप क्या करते हैं कि जितना आपने पैसा रिसीव किया होता है अपने सब्सक्राइबर से उतना ही आप कॉल्स में शो करते हो, ठीक है. और कॉल्स इन एरियर में क्या करते हैं? अंडर व्हेन ओपनिंग अ कॉल्स इन एरियर अकाउंट अंडर दिस मेथड कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन एंड दिस अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन सम अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ऑन कॉल्स इज नॉट रिसीव ऑन अ लेटर डेट व्हेन द एरियर अमाउंट इज रिसीव बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज क्रेडिटेड. मीन्स कि जब आपको पैसा नहीं मिलता तो आप उस पैसे को कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डाल देते हो और आप अपना शेयर कैपिटल पूरे पैसे से दिखाते हो, और जब आप पैसा रिसीव कर लेते हो तो उल्टी रिवर्स एंट्री हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट आपके क्रेडिट हो जाता है और कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो जाती है, ठीक. ये इसकी एंट्रीज होती हैं जब आप अकाउंट्स ओपन नहीं करते. तो जैसे आप एंट्रीज करते आ रहे थे वैसे ही करोगे, एरियर वाला अमाउंट बस आप इसमें शो नहीं करोगे, ठीक. लेकिन जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करोगे एंड नेक्स्ट आप जब ड्यू की एंट्री करोगे तो आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है. नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक. अब हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस का मीन्स है कि जहाँ पर आप सम पार्ट और होल अमाउंट आप ना जब शेयर्स के लिए पैसा मंगाया उसके साथ साथ ही भेज दिया. अ शेयर होल्डर में समटाइम्स पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अपॉन हिज शेयर इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ द ट्रबल ऑफ पेइंग डिफरेंट कॉल्स एट डिफरेंट टाइम्स थस द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स इज रिसीव्ड इज एडवांस बाय द कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 कंपनीज एक्ट 2013. सच अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी ओनली व्हेन इट इज सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मीन्स क्या कह रहे हैं कि जब आपको है ना जैसे पैसे देने हो और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो और आपने एडवांस में पे कर दिया उन्हें, मतलब आपने कॉल्स बुलाने से पहले ही आपने सारा पैसा पे कर दिया, इसे ये होगा कि फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना पे करने की तो आप उससे बच जाओगे. ये पैसे तभी ले सकते हैं जब आपकी कंपनीज अकाउंट में आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हो. इनकी एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस जब आप रिसीव करोगे, ठीक है. शेयर कैपिटल में आप ड्यू करोगे. शेयर अकाउंट क्या होगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इन शोन इन द इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड करंट लाइबिलिटीज सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज. इन फ्यूचर व्हेन द कॉल इज मेड द डायरेक्टर कॉलिंग एंट्रीज विल बी पार्ट. जब हमने ना अब आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है तो वो पैसा कहीं ना कहीं एडजस्ट भी करोगे ना, तो कैसे करोगे? पहले ड्यू की एंट्री कर दोगे शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. जब उसे रिसीव करोगे तो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, राइट. अब कॉल्स इन एडवांस वहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हो जाएगा, तो इससे आपकी जो एंट्रीज है वो क्लोज हो जाएंगी, ठीक. इंटरेस्ट एंड कॉल्स इन एडवांस आपके सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. ओवर सब्सक्रिप्शन का मीन्स है, हमने पहले पढ़ा था अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या था कि जितने हमने इशू करे हैं उससे कम हमारे पास शेयर्स आए. तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मीन्स क्या है कि अगर हमने 50,000 शेयर इशू करे हैं और हमारे पास 100,000 शेयर हैं तो वो कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन. बुक अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू क्या है? शेयर इशूड बाय वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज अदर ऑफ्टन गेट ओवर सब्सक्रिप्शन. शेयर आर सेट टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. हाउएवर द कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर मोर देन दैट ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल हैव टू अलॉट द शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस. इट मीन्स दैट स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स आर अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हिम. मीन्स देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का मीन्स क्या हो गया, जितने हमने
कंपनी से मतलब एप्लीकेशंस मांगी हैं उनसे ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, तो हम हर किसी ज़्यादा तो हम शेयर नहीं कर सकते जितने हमने ऑफ़र कर रखे हैं, उससे ज़्यादा तो हम सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो कंपनी क्या करती है, हर एक को जितने उसने शेयर्स मांगे हैं उसके हिसाब से उसको प्रो राटा मतलब कुछ हिसाब से, मतलब जैसे अगर किसी ने 500 शेयर मांगे हैं तो उसे 200 या 400 या 300 शेयर्स इशूड कर देगी, उसको बोलते हैं प्रो राटा बेसिस। ठीक, उसकी एंट्री क्या होती है देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब आप पैसा रिटर्न करोगे ठीक है ना, आपके पास एक्सेस पैसा आएगा वो तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में खरीदोगे, लेकिन वो अगर कंपनी रिजेक्ट कर रही है और पैसा वापस कर रही है तो आप ये एंट्री करोगे, और अगर एडजस्ट करेगी किसी में तो एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो आगे यूटिलाइज होगा अलॉटमेंट में, ठीक है ना, मतलब एक्सेस पैसा आप कहीं और पे एडजस्ट करोगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल, 2.5 ऑन सेकेंड कॉल, पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000, 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉल, जिन्होंने 8,000 शेयर्स मांगे थे उन्हें पूरे मिले हैं 8,000, 16,000 वालों को 12,000, यानी कि यहाँ पे 4,000 शेयर एक्स्ट्रा हैं, 6,000 वालों को एक भी नहीं मिला यानी कि उनको शेयर्स वापस कर दिए गए, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव पास जनरल एंट्री। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे 30,000 शेयर्स आए हैं हमारे पास, तो 30,000 पे कितने का इंटू हो जाएगा 3 रुपीज़ का, तो हमारा कितना आ गया 90,000। एंट्री क्या हो गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ड्यू की टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, 4,000 मैंने बताया था ना यहाँ एक्स्ट्रा है आपके, क्योंकि 12,000 वालों को सिर्फ 16,000 मिले, तो इनको हमने रिफंड तो किया नहीं है, रिजेक्ट नहीं किया है, तो इनका पैसा हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पर, और बाकी शेयर्स को शेयर्स ही नहीं मिले 6,000 वाले शेयर्स को, तो 6,000 को 3,000 से 18,000 हमने रिफंड कर दिए। फिर अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू होगी, फिर बैंक अलॉटमेंट आप रिसीव करोगे, एक्स्ट्रा मनी हमें मिल चुकी है, 12,000 रुपये हमें यहाँ मिल चुके थे, तो 40,000 में से हम 12,000 माइनस करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, फाइनल कॉल ड्यू करोगे एंड फाइनल कॉल रिसीव करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फोर फीचर्स ऑफ शेयर का मीन्स ये होता है कि आपने कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर पढ़ा, कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब होता है कि आप जब पैसा नहीं लेते हो, तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मीन्स क्या होता है, पहले देखो, इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, द डायरेक्ट मे कैंसिल हिज शेयर्स, दिस इज कॉल्ड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। मीन्स अगर आप कभी कोई कॉल देना भूल गए, या मतलब आपके पास पैसे नहीं थे, आपने अलॉटमेंट के और है ना कॉल्स के पैसे नहीं दिए, तो एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है आपको, उस टाइम फ्रेम में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो कंपनी शेयर्स को फोरफिटेड कर सकती है, डायरेक्टर के पास ये राइट होता है। इट मे बी नोटेड दैट द शेयर्स कैन बी फोरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउ देम टू बी फोरफिटेड, इन ऑर्डर टू मेक द फोरफीचर वैलिड इट इज असेंशियल टू फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द आर्टिकल्स, इफ नो रूल्स आर गिवन इन द आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग फोरफीचर अप्लाई, द यूजुअल प्रोसीजर इज दैट डिफॉल्टिंग शेयर मस्ट बी गिवन द मिनिमम 40 डेज नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू पे द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर्स। मीन्स क्या कह रहा है ये कि उसे हम कम से कम 14 दिन का एक नोटिस पीरियड देंगे कि आपको 14 दिन के अंदर पे ऑफ करना है, अगर आप 14 दिन के अंदर पे ऑफ नहीं कर पाओगे तो आपका शेयर फोरफिटेड हो जाएगा। द नोटिस मस्ट स्टेट इफ द अनपेड अमाउंट इज नॉट पेड विद इन अ सर्टेन पीरियड हिज शेयर शैल बी फोरफिटेड, इफ इन स्पाइट ऑफ दिस नोटिस शेयर होल्डर स्टिल डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर्स मे बी फोरफिटेड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, आफ्टर फोरफीचर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय हिम बिलोंग्स टू द कंपनी एंड इट इज नॉट रिटर्न टू हिम। मीन्स क्या कह रहे हैं कि हम उस नोटिस में मेंशन कर देंगे कि अगर आपने इतने सर्टेन टाइम तक पेमेंट नहीं की तो हम उसके शेयर को फोरफिटेड कर देंगे, और फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस शेयर को फोरफिटेड कर देंगे। और क्या होगा कि अभी तक जो उसने पैसा दिया होगा शेयर्स के में वो पैसा भी कंपनी का हो जाएगा, उसे रिटर्न नहीं होगा। एंट्री क्या होती है शेयर फोरफिटेड की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, मतलब जितने शेयर्स हम फोरफिटेड कर रहे हैं, जैसे 100 शेयर फोरफिटेड कर रहे हैं तो उनका कॉल्ड अप और वैल्यू पर शेयर कितना है, मतलब उनके अभी तक कितने शेयर्स के बाद हम उसे फोरफिटेड कर रहे हैं, तीन कॉल के बाद या दो कॉल के बाद,
या फिर पूरी कॉल्स के बाद, तो उतनी वैल्यू पर शेयर्स के हिसाब से उसका इंटू हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा हमने अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं किया। टू शेयर कॉल्स, जो हमने पैसा कॉल्स पर रिसीव नहीं किया। और टू शेयर फोरफिटेड, जो पैसा हमने अभी तक उससे रिसीव किया है। ये हो जाएगा हमारा शेयर इशूड एट फोर्थ पार पे जो होता है। एग्जाम्पल देखो इसका। गोपाल वॉज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ द कंपनीज ऑन विच ही पेड 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, बट कुड नॉट पे 2 ऑन फर्स्ट कॉल ऑफ द शेयर ऑफ फोरफिटेड ऑफ बाय द डायरेक्टर। द एंट्री फॉर द फोरफ्यूचर शेयर्स क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने हैं? 100 शेयर। उसने कितने रुपए दिए हैं अभी तक? 3 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे हैं, बट कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, यानी कि हमने अभी तक कितने पैसे मंगाए हैं? 7 रुपए। तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई हमारी 7 रुपए। तो 100 इंटू 7 700। फर्स्ट कॉल पे उसने कितने रुपए नहीं दिए? 2 रुपए। तो 100 इंटू 2 200। और अभी तक उसने कितने पैसे दिए? 3 एप्लीकेशन पे और 2 अलॉटमेंट पे। 5 रुपए से इंटू हो गया 100 शेयर का, तो 500 हो गया। ठीक है, आगे समझ में एंट्रीज। ऐसे ही प्रीमियम में होता है, जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमारे पास कुछ पैसा आता है। वैन, इसमें टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स में कैसे हैं? वैन फोरफिटेड चर्च टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव, आपका जो फोरफीचर हो रहा है वो प्रीमियम रिसीव होने के बाद हो रहा है, या आपका प्रीमियम आपने रिसीव नहीं किया है, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कॉल्ड अप सो फार एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, अगर प्रीमियम मिल चुका है तो एक्सक्लूड होगा, अदरवाइज वैसे भी वो एक्सक्लूड ही रहेगा। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव, जब आप प्रीमियम रिसीव नहीं करते, अगर आपने प्रीमियम रिसीव कर दिया है तो इसकी एंट्री नहीं होगी। प्रीमियम नहीं रिसीव किया है तो जितने रुपए से रिसीव नहीं हुआ है उतने रुपए से यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, जो आपने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं लिया, या जो हॉल्स पे पैसा नहीं लिया। टू शेयर फोरफिटेड, जो पैसा आपको अभी तक मिल चुका है। चीज़ समझ में आई आपको? एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक्स लिमिटेड इशूड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू गोपाल एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, ओनली 3.5 पर शेयर हैव बीन रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स ऑन एप्लीकेशन। गोपाल हैज नॉट पेड 6.5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। फोरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने? 100 रुपये का शेयर 10 रुपये पूरे मंगाए गए हैं, तो 10 से इंटू हो गया 100। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है हमारा? 4 रुपये। तो 100 रुपये के हिसाब से 4 रुपये से 100 शेयर के 4 रुपये के हिसाब से 400 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के। अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला 6.5, 100 से इंटू, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला। शेयर फोरफिटेड 3.5 रुपये हमें एक एप्लीकेशन पे ही मिले थे, तो वो मेंशन होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक इज रीइशू ऑफ फोरफीचर शेयर्स, मींस जो शेयर आपने फोरफिटेड कर दिए थे उन्हें रीइशू करोगे। डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रीइशू द फोरफिटेड शेयर्स ऑन सच टर्म्स एज दे थिंक फिट, दे दैट इज टू से that they are at liberty to reissue the forfeited share at par, at premium or at discount. However, if the share are reissued at a discount, the amount for the discount cannot be exceed the amount previously received on this share. For example, if a share 10 on which 3 has already been received is forfeited and reissued at minimum 7 must be collected on its reissue, it means that the maximum can be 3 can be allowed as a discount on the reissue of such share. मीन्स आप अगर उस शेयर्स पर रीइशू करोगे तो सिर्फ 3 रुपये का डिस्काउंट ही दे पाओगे। फॉलोइंग एंट्रीज पास कौन सी होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर एट पार पे होती है, एट प्रीमियम पे होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम इन, और अगर फोरफीचर उस पर डिस्काउंट पे होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आफ्टर रीइशू ऑफ फोरफीचर शेयर द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फोरफीचर अकाउंट, अगर शेयर फ्यूचर अकाउंट में कुछ पैसा बचता है वो क्या कहलाता है हमारा? कैपिटल गेन टू द कंपनी एंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। उसकी एंट्री क्या होगी? सो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, मैंने आपकी कंप्लीट करा दिया, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट एंड डू योर वर्क क्लियरली एंड नीटली। थैंक्स फॉर टुडे।